मैंने सामान लिया है, दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के प्याज जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन लिया है, मैंने अदरक लिया है। अब मैं इनकी प्योरी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी टमाटर की प्योरी बन के बिल्कुल रेडी है। ये मैंने बना ली है प्योरी इसकी, मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। ये मैंने अदरक लहसुन प्याज को भी ग्राइंड कर लिया है, मैंने अदरक और लहसुन को साथ में ग्राइंड कर लिया है ताकि अच्छा टेक्सचर आ जाए। और मैंने यहाँ पनीर को थोड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है, आप चाहें थोड़े बड़े भी कर सकते हैं चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं, मैंने मीडियम साइज में कट किया है। तो अब हम बनाते हैं सब्जी की ग्रेवी। तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब मैं इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी, ऑयल आप आपके अनुसार डाल सकते हैं जितनी आप सब्जी बनाना चाह रहे हैं। मैंने एक पैकेट 200 ग्राम पनीर लिया है, उसके हिसाब से मैं इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। पनीर की सब्जी में जब तक थोड़ा सा तेल स्पाइसी ना हो तो हमें अच्छी नहीं लगती है। तेल को यहाँ हल्का गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तेज पत्ता। तेज पत्ता सब्जी के लिए, सब्जी के अंदर काफी अच्छा खुशबू लेकर आता है, इसलिए मैं तेज पत्ता सब्जी में ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मोस्टली पनीर की सब्जी या फिर चने की सब्जी या फिर छोले की सब्जी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज और लहसुन का पेस्ट। और पकने तक इसे चलाते रहें, हल्का ब्राउन होने तक इसे पकने दें। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी की खास बात यही है कि मैं वही सब रेसिपीज आपको बताना चाहती हूँ जो भी सामान हमारे पास घर में अवेलेबल है, हम उनसे हमारी सब्जी बना सकें। हमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत नहीं है, मसाले लाने की जरूरत नहीं है। हम घर में जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है, मसाले अवेलेबल है, हम उनसे भी बहुत अच्छी सब्जी बना सकते हैं। हमारा प्याज बिल्कुल एकदम ब्राउन हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर की प्योरी। और 2 से 3 मिनट में इसे टमाटर को पकाऊंगी। टमाटर हमारा हल्का सा पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, देखिए। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ, वैसे तो सभी लोग घर में ट्राई करते हैं, बनाते भी हैं, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज हमारे पास जो मसाले नॉर्मल मसाले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हम ढाबे स्टाइल जैसी पनीर की सब्जी बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसे मिलाएंगे और थोड़ा इसे पकने देंगे, जब तक मैं इसे थोड़ा ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पनीर को हल्का सा फ्राई करके भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं फ्राई करूंगी नहीं, मुझे कच्चा ही पनीर सब्जी में डालना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मसाला पक के रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिएगा। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं सब्जी सिर्फ 2 जनों के लिए ही बना रही हूँ।
अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट पनीर मसाला एवरेस्ट का, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। इससे सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे जरूर से जरूर इस्तेमाल करें सब्जी के अंदर। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा एक कप पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने दीजिएगा ताकि आपका मिर्ची पाउडर, मिर्ची मसाला एकदम ढंग से पक जाए। सब्जी में, मसाले में कच्ची कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करने वाली हूँ। ये मेरी घर की फ्रेश मलाई है। मलाई से पनीर की सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पास, अगर अवेलेबल है तो प्लीज़ आप इसे यूज कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसे पकते मसाले के बीच में ही ऐड ऑन कीजिए ताकि ये भी ढंग से पक जाए। इससे आपकी सब्जी का कलर, सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। प्लीज फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फाइनली फ्रेंड्स, मसाला पक के बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा पनीर का मसाला बिल्कुल बनकर एकदम पक्कर रेडी है, तो चिपका भी नहीं है देख लीजिए। और तेल ऊपर आने का मतलब है कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। मैंने आपको कहा था कि आप पनीर को फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे कच्चा पनीर ही पसंद है इसलिए मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप पानी। पनीर की सब्जी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। हम ढाबा स्टाइल पनीर बना रहे हैं इसलिए जितना हो सके थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा पानी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा कम, थोड़ी ग्रेवी उसकी हार्ड रखेंगे तो खाने में ज़्यादा स्वाद आएगा। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए और ढक दूंगी ताकि मेरा पनीर भी ढंग से पक जाए। सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी 5-10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है सब्जी में और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप थोड़ा पनीर को तोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है पनीर, एकदम सॉफ्ट पनीर हो चुका है। अच्छा इसमें टेक्सचर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।